Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, let's start the class of the day. Friends, present perfect continuous tense has been finished. मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है present perfect continuous tense के बारे में, use of has been, have been and since and for. और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे. तो friends, today I am going to teach you about the past tense. I am going to start the past tense. And what is the first tense of past tense? The present indefinite, present continuous, present perfect continuous and present perfect. Four tenses were there in the present. The friends, past tense में सबसे पहले आपको हम शुरू करेंगे past indefinite tense. तो चलिए शुरू करते हैं. Past indefinite tense. इसके पहचान के नियम क्या है? पहचान. पहचान में last में या, ये, ये, दी, ली, खी, इस तरह से आएगा लास्ट में. जैसे मैंने उसे देखा, वो गया, मैंने खाना खा लिया, उसने मूवी देखी, इस तरह से. मतलब खा, खे, खी, ली, दी, ई, इस तरह का लास्ट में वर्ब के साथ जो वर्ब के अंत में आएगा तो हम समझ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह स्कूल गया, ठीक है. तो इसका मेकिंग फार्मूला पहले लिख देते हैं. मेकिंग फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. यह एक अकेला टेंस है जिसमें वी टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स. इसलिए आप वी टू का इस्तेमाल करने में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि वी टू का इस्तेमाल यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. तो एक अकेला टेंस है जिसमें हम वी टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो जैसे वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है. मैंने मूवी देखी, मैंने मूवी देखी तो आई सॉ द मूवी. सिंपल है फ्रेंड्स. ओनली आपको फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है. सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाना है यहाँ पर, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है फ्रेंड्स. तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बट उसका इंग्लिश हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाते हैं. जैसे वह कल आया है, तो आप आया है से ये मत समझ लेना कि इसका इंग्लिश भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे. वो कल आया है, कल की बात होगी, मीन्स पास्ट की बात यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है कि पास्ट यानी बीत गया, कल की बात हो रही है. तो इसका भी हम इंग्लिश ही केम यस्टरडे, ठीक है, ऐसा आएगा. तो इस तरह के जब सेंटेंस आए जिसमें एकदम कंफर्म बताया जाए कि ये पास्ट यानी बीती हुई बात बताई जा रही है, कल की बात, कल आया है, मैंने कल मूवी देखी है, तो इस तरह की बात हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना बनाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. सिंपल है. मेरे पिताजी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई या सिखाई, कुछ भी लिख सकते हैं. तो माई फादर टॉट मी इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड. तो बहुत ही सिंपल है. इसमें जब भी वो आया, वो गया, वो बैठा, वो सोया, मैंने देखा, इस तरह का सेंटेंस आए तो समझ लेना कि ये वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और उसका इंग्लिश बनाते वक्त हमेशा
वी टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज मत होना। और कभी कभी था भी लगता है इसमें, जैसे मैं कल गया था, तो मैं कल गया था मीन्स या मैं गया था, जैसे मैं बोलता हूँ मैं गया था, तो इसका हम आई वेंट बनाएंगे। अब इसमें ये मत सोचना कि गया था लग गया तो अभी हम क्या करेंगे, मैं कल गया, मैं कल गया था, मैं कल आया, मैं कल आया था, ऐसा रहेगा तो हम उसको पास्ट टेंस डेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, वह मुझे मिला था, वह मुझे मिला था, या वह मुझे मिला, या वो मुझसे मिला, ये सब एक ही होता है। इसका इंग्लिश एक ही तरीके से बनाएंगे, ही मेट मी। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। उसने मेरी पेन चुरा ली या चुराई, उसने मेरी पेन चुराई, तो ही स्टोल माई पेन। ठीक है, मैंने कविता याद कर ली, मैंने कविता याद कर ली, तो आई लर्नड द पोयम। उसने अपना घर बेच दिया, तो ही सोल्ड हिज हाउस। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाएंगे। सिर्फ इसमें बस सेकंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद रखना है और याद करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बस वही चीज़ मेन है कि सेकंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा समझने के लिए हम स्क्रीन पे कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो देखिए, ही प्लक्ड फ्लावर, उसने फूल तोड़ा। यू अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी। आई मेट हिम इन द मार्केट, मैं उससे बाजार में मिला था। ही केम माई होम यस्टरडे, वो मेरे घर कल आया था। माई फादर केम बैक फ्रॉम मुंबई, मेरे पिताजी मुंबई से वापस आ गए। ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ते को जान से मार दिया। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक सवाल किया। हिज ब्रदर गेव मी अ बुक, उसके भाई ने मुझे एक किताब दी। ओके फ्रेंड्स, तो जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।